मकसद क्या है, आपका मकसद बिजनेस को चलाना है, आपका मकसद बिजनेस को कंट्रोल करना है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि आप शॉप फ्लोर पर जाइए, बिल्कुल जाइए और आपको जाना ही चाहिए, पर आप शॉप फ्लोर पर जाके कंट्रोल मत करिए। आप अपने ऑफिस में बैठ के कुछ नंबर बुलाइए, वो नंबर को देख के कंट्रोल करिए। आपको नंबर को देख के ध्यान में आना चाहिए कि मेरे कंपनी में कहां पे क्या चल रहा है। एंड दिस इज, अभी हम एक छोटा सा केस स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से नंबर को चेक करके हम अपने बिजनेस पे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ एवरीबॉडी डज। पूरी दुनिया में रतन टाटा सारे प्लांट को घूमने के लिए नहीं जाते हैं, या धीरूभाई अंबानी जब थे, या अनिल मुकेश अंबानी, ही डजंट गो टू सी एवरी प्लांट एंड चेक किस प्लांट में क्या हो रहा है। वो अपने ऑफिस में बैठ के नंबर देखते हैं, वो नंबर को देख के उनको ध्यान में आता है कि मेरा कौन सा प्लांट बराबर काम कर रहा है, कौन सा प्लांट बराबर काम नहीं कर रहा है, किसकी मुझे खिंचाई करनी चाहिए, किसको मुझे ढील देना चाहिए, और ही डिसाइड्स बाय लुकिंग एट द नंबर। तो मेरा एक सवाल, सभी से सवाल ये है, अभी आपको मालूम है टॉप लाइन क्या है, ऑल ऑफ यू, व्हाट्स टॉप लाइन क्या है, आपको मालूम है बॉटम लाइन, बॉटम लाइन क्या है, राइट। अब मेरा सवाल आप सभी से ये है कि इफ द टॉप लाइन ऑफ अ बिजनेस, अगर एक बिजनेस का टॉप लाइन 40% से ग्रो हो रहा है और बॉटम लाइन इज ग्रोइंग, बॉटम लाइन 30% से ग्रो हो रहा है, गुड साइन और बैड साइन? गुड साइन और बैड साइन? यू हैव टू टेक सम पोजीशन। या तो गुड बोलिए, बैड बोलिए, चुप मत रहिए। अगर इफ द टॉप लाइन 40% से बढ़ रही है और बॉटम, सॉरी, टॉप लाइन 30% से बढ़ रही है और बॉटम लाइन 40% से बढ़ रही है, गुड साइन और बैड साइन? देखो इस बार क्या धमाकेदार आंसर है सबके पास, एवरीबॉडी या गुड साइन, एंड यू आर राइट, इट इज अ गुड साइन। एंड रिमेंबर, ये ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है आपको समझने के लिए ऑफिस में बैठ के हाउ टू कंट्रोल माई बिजनेस। ये नंबर देख के आपने तुरंत बोला, पहले बार में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, मैं समझ सकता हूं पहले वाले के लिए, दूसरे वाले में आपने धपाक करके आंसर दिया, इससे गुड साइन। क्यों? आपने खाली नंबर को देखा और यू गिव द आंसर, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हम सब लोगों ने करना चाहिए। एक छोटा सा केस स्टडी करेंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं ये थोड़ा सा केस है, प्लीज ये जो टेबल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपकी नोटबुक में इसको ड्रॉ कर लीजिए, राइट डाउन दिस। So what you do is the table that you see on the screen, ये जो टेबल आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, इसको आपकी नोटबुक में जस्ट ड्रॉ इट, शुड नॉट टेक यू मोर देन 46 seconds, शुड नॉट टेक यू मोर देन 46 seconds।